हेलो एवरीवन, नमस्ते, राम राम जी, राम राम जी। मेरे ऊपर दो पुलिस केस हो गए भाई चाइना में। छोड़े छोरिए छड़ी दे घूमना जस का बुरो रे बजारो रा योगिता। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि रवि भाई अपनी और योगिता की लव स्टोरी के बारे में बताओ। सो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और कुछ और भी अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आज वो घड़ी आ गई है जबकि मैं अपनी लव स्टोरी के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। बिकॉज़ यार, बहुत सारे लोग जो है मुझे नहीं पता क्यों इतना इंटरेस्टेड है मेरे बारे में, मेरी लाइफ के बारे में और मेरी चाइनीज़ वाइफ और मेरी फैमिली के बारे में। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत बहुत धन्यवाद यार आप सभी का। भाई सीधा आदमी हूँ, जितना मेरे मेरे दिल में होता है वही मैं बात करता हूँ। अब बहुत सारे लोगों ने कहा कि मुझे रवि भाई आप बताओ यार अपनी लाइफ के बारे में, लव स्टोरी के बारे में। दोस्तों, बहुत मुश्किल दिन थे मेरे जब चाइना में आया था मैं। स्टार्टिंग में चाइनीज़ मुझे कतई नहीं आती थी भाई, बिल्कुल जीरो। चाइनीज़ में नी हाओ मतलब हेलो होता है, वो मैंने बोलना सीखा। 2 महीने लगे भाई इसे बोलते बोलते, बड़ा भारी प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत होती है। अगर मैं बोल भी दूँ तो किसी को समझ में ना आए, पता नहीं कैसा मैं बोलता था। मुझे 2 महीने लगे, बड़ा मुश्किल दिन। पहली जॉब मेरी 2 महीने रही, खाना इतना खाया, यहाँ का खाना खाने की वजह से मैं बीमार हो गया। एक महीना पूरा हॉस्पिटल में रहा, लाखों का खर्चा हो गया, ठीक नहीं हुआ, दिल्ली चला गया वापस। अपना ट्रीटमेंट दिल्ली में कराया भाई। ये मेरी लव स्टोरी के साथ मैच है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो फ्रेंड, मैंने दिल्ली में ट्रीटमेंट कराया, घर पर भी नहीं बताया किसी को। अपना पहुँच गया, मैं अपना घर पहुँचा 1-2 महीने बाद, दिल्ली में रहा, ठीक हो गया, बढ़िया घर पहुँच गया मैं। अब मेरी जॉब चली गई थी चाइना में, 2 महीने मैं इंडिया में रहा। उसके बाद फिर से मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि चाइना में मेरी बहन का योगा सेंटर है, आप वहाँ पे आ जाओ। मैं फिर आ गया, यहाँ पे आया भाई बिजनेस वीज़ा पे आ गया। 5 साल पहले की बात है, बिजनेस वीज़ा पे आप थोड़ा बहुत काम कर सकते थे यहाँ पे। तो मैं फिर आ गया, अभी यहाँ पे आ गया भाई। देखा यार, इनके पास जो बड़ी कंपनी है, लोग बहुत हैं, लेकिन वो कंपनी एज ए कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी। 2 महीने काम किया भाई, 1,60,000 रुपये दिए उन्होंने, खाना पीना रहना सब दिया। उसके बाद फिर वापस बोरे अब इस तरह पैक इंडिया, क्योंकि यार यहाँ पे वर्क वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल था 5 साल पहले, अब और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि यार इनकी अपनी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। चलो टॉपिक पे आते हैं। उसके बाद फिर क्या हो भाई, फिर इंडिया आ गया, 1-2 महीना इंडिया में रहा, फिर वापस चाइना में छांगशा एक सिटी है गोंगजो से, बुलेट ट्रेन में 2 घंटे लगते हैं, पहुंच गया वहाँ पे। वहाँ जॉब मिली है एक और मुझे, वो कह रहे जी हमारे भी वर्क वीज़ा नहीं हो पाएगा। चलो, ने मुझे इस्तेमाल किया वहाँ पे, उनका योगा सेंटर की ओपनिंग थी, ओपनिंग करवाई मेरे से, बड़े सारे क्लाइंट आ गए, प्रमोशन हो गया उनका, भगा दिया मुझे फिर इंडिया भाई। क्या कहूँ, कुछ नहीं कह सकते, चाइनीज़ भी तो नहीं आती, उन्हें इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश में कुछ डांट दो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बोल भी नहीं सकते कुछ, वो बोल देंगे चले जाओ भाई इंडिया। चला आया मैं, बड़ा भारी परेशान था, 3 जॉब जा चुकी थी। एक बार फिर मुझे जॉब मिली भाई, बोला मियांग एक छंदू सिटी है, उसके पास में 2 घंटे तकरीबन लगते बस में। बोला जी मियांग में है जॉब, तो वहाँ आ जाओ। मैं मियांग में आ गया, वहाँ पे भी 2 महीना रहा। मैं बोल दिया जी अब वीज़ा नहीं मिलेगा तो लास्ट टाइम है मेरा, इसके बाद चाइना नहीं आऊँगा मैं। मतलब बहुत थक चुका था यार, बोरा उठा उठा के, इंडिया जाओ यहाँ आओ, आस रहती थी कि यार ये वर्क वीज़ा मिलेगा। इंडिया में तो बेइज्जती हो चुकी थी, इंडिया में तो बेइज्जती हो ही चुकी थी भाई। चंडीगढ़ में बोल दिया मैं चाइना जा रहा हूँ, वीज़ा लग गया, सच में लग गया था उस बार। अब मुझे नहीं पता था यार बिजनेस वीज़ा लगता है तो वर्क वीज़ा मिलने में इतनी दिक्कत होती है, मुझे पता। 24-25 साल की उम्र थी, अब बड़ा भरी परेशानी हुई यार। यहाँ भी बेइज्जती करवा ली दिल्ली में, चंडीगढ़ में भी बेइज्जती करवा ली, और सबको बोल दिया, और चाइना तो आ ही गया मैं भाई। आप कभी जाओगे ना भी दे सक रहे ऐसी एक्साइटमेंट में, तो आपको पता चल जाएगा यार। फिर मेरा जो लास्ट हुआ, एक चाइनीज़ ने बोला कि यार एक बंदा है इंडियन, वो योगा सेंटर खोलेगा अभी शंघाई में, तो आप वहाँ जाओ। चला गया शंघाई में,
शंघाई में भाई एक अर्जुन नाम के भाई, उन्होंने योगा सेंटर खोला, बोला यार रवि तुम दिल्ली से अभी दिल्ली में मिलो मुझे, मैंने इंडिया की फ़्लाइट बुक करी, दिल्ली में मिला भाई से। उन्होंने हाँ कर दिया, भाभी जी उनकी वाइफ भी चाइनीज़ है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, यस बोला ठीक है आ जाओ। दोस्तों मैं शंघाई आ गया, भाई ने बोला कि हम बड़ा प्रोग्राम करेंगे, बड़ा योगा सेंटर करेंगे, योगा टीचर ट्रेनिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे। यार मैंने उनके साथ रह के बहुत सारी चीज़ें सीखी, योगा में, थेरापी योगा में बहुत सारी चीज़ें मैं सीखना वहाँ पे हुआ, मेरा बड़ा एक्सपीरियंस रहा, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मैंने उन भाई लोग के साथ लिया, उनके योगा सेंटर में योगा ट्रेनिंग करवाना सीखा मैंने, योगा सर्टिफिकेशन कोर्स कैसे करवाना है, वर्कशॉप कैसे करवानी है, योगा की क्लासेस कैसे, VIP क्लासेस कैसे कंडक्ट करनी है, अरेंज करनी है, बहुत से चाइनीज़ के अकॉर्डिंग है ना, तो मैंने वो सब वहीं पे सीखा। उसके बाद मैंने 1.5 साल तकरीबन काम किया, तो थोड़ी सी लास्ट में ना उनके साथ उनके योगा सेंटर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, मैं सीनियर योगा टीचर था, तो बाद में उन्होंने कोई मैनेजर बिठा दिया, सर पे दर्द करने लग गए वो लोग, फिर मैंने छोड़ दिया। मेरी एक स्टूडेंट ने योगा सेंटर खोला यहाँ छांगचुन सिटी में, तो मैं इधर आ गया। उससे पहले जब मैं शंघाई में था ना, तो शंघाई वालों ने मेरे ऊपर 2 पुलिस केस हो गए भाई चाइना में, ये भी पकड़ा गया, रात को 2-2 बजे छूट के आया भाई मैं पुलिस थाने से। ये किस चक्कर में बताऊं मैं, जब शंघाई में था ना, पूरा वीडियो को देखना, जब शंघाई में था मैं, तो उस योगा सेंटर में मेरा काम क्या था मुझे पता नहीं था, मैं सोचता था चाइना में मुझे वर्क वीज़ा मिला है तो मतलब पूरे चाइना में कहीं भी काम कर सकते हैं, तो मैंने सोचा जी कहीं भी काम कर सकते हैं, वर्क वीज़ा मिला है चाइना का, अभी मुझे बताया नहीं कंपनी वालों ने कि इसके ऊपर आप पकड़े जा सकते हो। दोस्तों बता दूं मैं आपको, आप भी कभी भी चाइना में जाओ, मुझे भी दूसरे देशों का पता नहीं है, वैसे होता यही रूल है, जिस कंपनी में आपको वीज़ा मिलता है, जिस कंपनी में जिस जगह का वीज़ा मिलता है, जिस सिटी का वीज़ा मिलता है, आप वहीं पे उसी कंपनी में काम कर सकते हो, उस वीज़ा को लेके, वर्क वीज़ा को लेके दूसरी सिटी में या दूसरी कंपनी में कहीं काम करोगे, पकड़े जाओगे तो पूरी जेल हो जाएगी, आपको बहुत बड़ा फाइन पड़ जाएगा। तो इस कंपनी वालों ने मुझे क्या किया, भेजा दूसरी सिटी में, योगा टीचर ट्रेनिंग कराओ, बहुत सारा पैसा कमा के लाओ, दूसरी सिटी में जाओ। हर महीने मेरी जो है पूरे चाइना में अलग अलग सिटी में टूर रहते थे, चंदू, छांगशा, हुनान, खनान, शांगचू, निंगशा, इंचुआन, ये सब छांगचुआन नहीं, मंगू, इनर मंगोलिया, ये सारी सिटियों में मैंने ट्रैवल किया। ट्रैवल तो किया अच्छी बात है, लेकिन जब पकड़ा गया पुलिस में तो मैंने बोल दिया कि जी मेरे पास वर्क वीज़ा है, कह रहे वर्क वीज़ा तो शंघाई का है, वहाँ पे काम करो, यहाँ क्या लेने आए हो। पुलिस वालों ने उठा लिया भाई, और पुलिस वाले उठाने के लिए आए तो पुलिस वालों ने कैसे उठाया पता है, जैसे आतंकवादी को उठाते हैं भाई, कमांडो आ गए दोनों साइड लाइन में, कमांडो बीच में, मुझे बोला सीधा घुसो गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों ये बड़ी बड़ी खतरनाक स्थिति थी, पहली बार जब पुलिस वालों ने उठाया, कैमरे लगे हुए सबके यहाँ कंधे पे इधर उधर, तो ये सारा सीन हो गया यार। उसके बाद जो है मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दोस्तों, मैं अपनी वाइफ की, मेरी वाइफ की सिस्टर का योगा सेंटर है वहाँ पे था, पहला केस मेरे ऊपर वही हुआ था। तो मेरी वाइफ जो थी ट्रांसलेटर थी, मेरी ट्रांसलेटर थी, जो चाइनीज़ वाइफ है मेरी, उसका नाम मैंने योगिता दिया शादी के टाइम पे। तो मेरा उसने मुझे जो है ट्रांसलेट किया मेरे लिए, ट्रांसलेशन करते करते जो है थोड़े दिनों, अभी हमारे मेरी चाइनीज उतनी अच्छी नहीं थी, तो इसने ट्रांसलेट करना मेरे लिए मेरी योगा टीचर ट्रेनिंग में। उसके बाद खाना खाने के लिए कहीं जाना है तो वो मुझे लेके जाती थी, तो बताया कि इधर खाने में क्या मिलता है, उधर खाने में क्या मिलता है। तो यार काफ़ी दिन हो गए, मतलब मुझे उसके साथ 2-3 महीने हो गए उसके साथ जाते आते, तो मुझे पता नहीं उसके हाव भाव थोड़े अच्छे से लगे। तो चाइना में ऐसे एक्चुअली 2-3 साल से था, तो काफ़ी लड़कियां प्रपोज़ कर भी रही थी, तो सोचा यार मैंने कहा ये लड़की ठीक है, इतना मेरे साथ कोऑपरेट किया है, पुलिस थाने में भी मेरे ऊपर जेल हुई, केस हुई, तो मेरे को उनको बचाया इन्होंने, तो बड़ा कोऑपरेटिव इनका बिहेवियर है, तो इसलिए मैंने उनको प्रपोज़ भी, कैसा हुआ यार सीन हमारा दोनों का कि ऐसे ही एक दूसरे को एक ही साथ एक समय पर हमने कुछ पता नहीं ऐसे बोल दिया कुछ, और यस अजीब सी स्थिति थी। और उसके बाद मुझे फिर वापस शंघाई आना था दोस्तों, मैं उसके बाद आ गया शंघाई अपनी कंपनी में मुझे फिर से वापस आया। मैंने कि शंघाई में बोल दिया कि तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर पुलिस केस हो रहे हैं, मैं तुम लोगों के साथ अब जो है काम नहीं करूँगा। और शंघाई वालों ने भी मुझे बोल दिया बड़ा मुश्किल है, ठीक है अभी जाओ, जा रहे हो आप अभी, मैं चला आया उधर से छोड़ के। और अपना ये जब मैं यहाँ पे छांगचुन सिटी में रहता हूँ, यहाँ पे मेरी स्टूडेंट ने योगा सेंटर ओपन किया, तो इधर आ गया।
और मेरी जो वाइफ है फ्रेंड्स, मैंने उसको भी अभी बाद में इधर बुला लिया अपनी सिटी में, इधर वो मेरी कंपनी में काम करना शुरू होगी। अरे यार, घर वालों को मनाना तो इतना मुश्किल हो गया था। घर वाले तो बोल रहे नहीं नहीं कोई चाइनीज़ लड़की नहीं भाई, कोई चाइनीज़ लड़की से शादी नहीं करेगा, क्या है ये, क्या ड्रामा है, अभी गांव में लड़की से शादी कराएंगे हम, ये है गांव में। मैं तो कोई दिक्कत नहीं है घर, मैंने अपनी वाइफ को बोल दिया, मेरी गर्लफ्रेंड थी जब, ये मैंने कहा ठीक है देखो भाई, मेरे घर वाले तो मानने वाले नहीं है और मैं भी कोई ऐसा गलत काम नहीं करूँगा। कई लोग हैं जैसे शादी से पहले बच्चा कर लेते हैं, फिर घर वालों के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। मैंने कहा यार ये वाली चीज़ें मेरे से नहीं होनी, मैं ये चीज़ नहीं करने वाला हूँ, और मेरे घर चल, गांव में हम गरीब लोग हैं, गांव मेरा बहुत मतलब घर पे रास्ते बहुत ख़राब हैं, चलो भाई देखो मैं कल को यहाँ वापस आ जाऊँ। सो फ्रेंड्स, मैं अभी घर पे पहुँच चुका हूँ, अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये रहा अमन, ये रही योगिता और ये रहा मैं। सो फ्रेंड्स, जब मैं इसको घर पे लेके गया था अपने, तो पहली बार सबसे पहले मैं इसको ऋषिकेश लेके गया, हम लोग ऋषिकेश में रहे 4-5 दिन, वहाँ पे थोड़ा योगा टीचर ट्रेनिंग थी हमारी, इसकी भी थी, तो हम दोनों ने वहाँ पे योगा की प्रैक्टिस भी की। उसके बाद हम 5-6 दिन बाद जो है घर गए, और घर पे सबसे पहले मेरा रास्ते में घर पड़ता है, घर से 50 किलोमीटर पहले बड़े पापा जी का, ताऊ जी का उधर रहे। तो उसके बाद मैं 2-4 दिन बाद घर गया, तो घर वालों को विश्वास भी नहीं हो रहा था कि अरे सच में एक चाइना सी लड़की आ रही है हमारे घर पे, क्योंकि हमारा छोटा गाँव है यार। और जैसे ही गांव में हम घर पे पहुंचे तो बहुत सारे लोग जो है इसको देखने के लिए आ रहे हैं, मेरे रिश्तेदार और छोटे बच्चे थे, और चिल्ला रहा है अमन। और घर के पास में एक फंक्शन था, और उस फंक्शन से जो भी लोग जा रहे थे तो सब सबसे पहले घर आ रहे थे, रोज़ इतने भीड़ रह रही थी घर पे, और बहुत सारे लोगों ने बोला अरे अच्छी है लड़की, अच्छी है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है, क्यूट है। बस फिर बाद में मैंने भी बोल दिया हाँ भाई यही है जो कुछ है अब। और फिर मेरी जो है बस अम्मा मेरी दादी जी है वो भी बोल रही है ठीक है, फिर ठीक है क्या बोलना था, मैंने इसको सब कुछ समझा के रखा था, पैर छूना है, सब कुछ करना है। तो धीरे धीरे हम दोनों का जो है एक्सेप्ट हो गया। फिर भी मैं चाइना वापस आया दोबारा जब ना, तो चाइना वापस आया, फिर हम 1 साल यहाँ पे रहे। 1 साल बाद फिर मैं इसको इंडिया लेके गया, हमने शादी की तारीख पक्की कर ली थी, और डायरेक्ट हम जो है शादी वाले टाइम पे सारा अरेंजमेंट घर वालों ने किया होता, हम शादी वाले टाइम पे पहुँचे और हमने शादी इंडियन स्टाइल से की, और उसके हिसाब से भी की चाइना के हिसाब से, तो चाइना में आके की हमने। और उसके बाद आप देख ही सकते हैं, अब जो है हमारा एक बेटा है, एक्चुअली हमारा तो मूड था इसको पहले इंडिया में लेके जाने का, पर अभी कोरोना वायरस ने हमें, आपको पता ही है पूरी दुनिया में परेशानी फैली हुई है, और ऐसे ही हमारा भी कोरोना वायरस की वजह से अभी इंडिया नहीं जा सकते। इसकी दादी जी जो हमारे मेरी मम्मी है वो बड़ी परेशान है, देखने के लिए बेताब है, इसको रोज़ व्हाट्सएप पे ही देखते हैं। अब ये योगिता इसको कपड़ा पहना रही है तैयार करके, और अमन सबसे पहले जब मैं चाइना आया तो मैं अकेला आया था, फिर मैं और योगिता 2 हो गए, हम अब 3 हो गए हैं। और जब मैं योगिता को इंडिया लेके गया था दूसरी बार, जब योगिता गई तो हमने शादी की, तीसरी बार जब हम फिर इंडिया में इसको लेके गया तो मेरे घर वाले बोल रहे जी बच्चा कहाँ है, बच्चे को लेके आओ, अब लेके जाने का टाइम आ गया है बच्चे को, तो कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में परेशानी फैला रखी है। तो इसी वजह से फ्रेंड्स, आप भी दुआ करना कि ये कोरोना जल्दी ठीक हो जाए और हम भी घर वापस आए, और बहुत बिजी रहती है ये बच्चे के साथ, पूरा कोऑपरेट करती है, ये बच्चा देखती है घर पे, और मैं जो है अपना आराम से ड्यूटी पे जाता हूँ। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखना, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था इसके लिए कि मैं एक्चुअली मैं कोई यूट्यूबर इतना कोई प्रोफेशनल हूँ नहीं, मुझे बहुत सारे लोगों ने सच में डिमांड की थी कि भैया आपने लव स्टोरी पे वीडियो बनाओ, तो इसीलिए मैं बना रहा हूँ। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी बता देना, और मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। Wow.
Swami do my two step. Do my two step.